खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन की हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सुन श्री हर गोविंद निहारयो, करयो पिरागे संग बखान, तूरन तूरन को तह पहुँचो, जहां लराई जोर महान। सतगुरु जी दी साजी निवाजी, परम सन्मान योग गुरु खालसा साध संग जीओ, फतेह जाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो सात संग जी, आप सारे ही बड़भागे हो जिते अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेसर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारण दे वास्ते अवतार धारिया, अपना आप प्रकाश किया उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सवेला बना रहे हो। कलगी धर दशमेश पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो, यही बड़िया भागां दी निशानी है। अते ये सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी, इस समय गुरु इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कविया दे सिरमौर चूड़ा मन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की छेवीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिया ने सरवण किया। मैदाने जंग विच थोड़े जे सिखां दा दल जो पठाणा दे नाल घिर गया, अली बख्श सारे सिख सूरमिया नूं कटदा बढ़दा अगे आ रहा पताका लै करके भाजण मच गई, हलचल मच गई। इधर गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने देखिया कि अली बख्श दे अगे पताका लै करके सारे तुरक दौड़े आ रहे हैं, सिखां दे उपर भारी पै रहे हैं। तां पातशाह जी ने अपने पत्थे चो चौड़े मूँह वाला खपरा तीर नौटंके तनुक दे चिल्ले उपर चाड़ करके कन्न ताई खिंच के मारिया। एक दो तीन चार पंज जो भी सामने आउंदा सारिआं नूं बिन के पार लंघ जांदा है। गुरु साहिब जी का छड्डिया होया तीर उत्थे तक जा पहुंचिया जिथे सब तो पिछे अफजल खान सूबा जलंधर दा खड़ा सी। ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने विचारिया ये कौन सूरमा है जो साडे सूरमिआं नूं मारदा कटदा वड़दा आ रहा है। भाई नानू नूं सद के कहा कि भाई नानो जी, ये थोड़े हथों यदि मौत लिखी हुई है, अगे जाओ और ये नाल मुकाबला करो। भाई नानो जी गुरु का हुक्म मन करके अगे गए, अली बख्श दे सन्मुख होए। अली बख्श ने जदों देखिया उसने बंदूक च गोलियां पाइया, निशाना साध करके हाथ विच बंदूक लेके अजे तैयारी कर रहा सी चलाउण दी, और हाथ निशाना साध के उसने अली बख्श ने कहा या अली, मुंह खोलिया। उसे वेले भाई नानो जी ने उदा खुला मुंह देख करके मारिया तीर, जो मुंह दे विच इस तरह बढ़ गया जिमें
खुड विच सप बढ़ जांदा है और आर पार हो गया। अली बख्श मारिया गया, जिस वेले अली बख्श मारिया गया तुर्क सेना विच हलचल मच गई, भाजड़ पै गई, सारे पिछां नूं भजदे जा रहे हन। उधर अब्दुल खान सूबा अपनी सेना नूं पिछां मुड़दिआं देख करके बड़े क्रोध विच आया, कोल खड़े इमाम बख्श नूं कहिंदा है कि तुसीं खड़े की देखदे हो, सन्मुख होके जाके लड़ो, ऐ मूर्खो तुसीं भज के जाओगे कित्थे। सूरमा वह हुंदा जिहड़ा सन्मुख होके लड़े, वह तां बुजदिल हुंदा, कायर हुंदा, जो पिठ दे के मैदान छड़ के भज जावे। इमाम बख्श बंगार सुन करके और जदों भाई नानू जी दे तरफ आया कि इसने साडे सेनापति अली बख्श नूं मार दिता, मैं बदला जरूर लवांगा। सो जदों ये आया, भाई नानू जी भी तैयार सन, दोवें निपुन हन खड़ग चलाउण विच ते घुड़सवारी विच, दोने निपुन हन इमाम बख्श ते भाई नानू जी। नानू जी ने वार कीता, उसने खड़ग ते वार रोक लिया, दूजी तुरंत ही वार कीती भाई नानू जी ने, ते उहदी खब्बी बांह वढ़ दित्ती इमाम बख्श दी। एक हथ वड्या गया उसका, दूजे हथ दे नाल सज्जे हथ दे नाल उसने खड़ग का प्रहार किया। भाई नानू जी दे मोढ़े ते तलवार वजी और छाती चीर दी होई, चीर के रख दिता, ते इस तरह भाई नानू जी शहीद हो गए मैदाने जंग विच। स्वर्ग चो विमान आया, देव बाउटियां चढ़ा करके सत्कार दे सहित लै गई। सो भागे सिख कितक हट पाछे, जदों भाई नानू जी शहीद हो गए, सिख सूरमे पिछा हट गए और कितने ही उत्थे पैर जमा करके मुस्तैद खड़े हन, कुछ सिख जा करके गुरु महाराज जी दे पास बेनती करदे हन, महाराज साडा सेनापति भाई नानू मारिया गया, हुण कोई सेनापति नहीं है मैदाने जंग विच, कृपा करो कोई जथेदार भेजो। ये सुन के सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की उत्तर देंदे हन। अगली कथा सरवण करन दे लई आपो अपनियां मनोबिरतियां नूं एकागर करिए। गुर की मूर्त मन मह ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर कै चरण हृदय लै धारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। सतगुरां दे पवित्र चरणा कमलां नूं हिरदे विच वसाउंदे होए रसना पवित्र करिए। सारे माई भाई गज बज के आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर सारे गज के आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सुन श्री हर गोविंद निहारयो, सो साध संगत जी कवियां दे सिरमा और चूड़ा मन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अगली कथा वर्णन कर रहे हैं। जिस वेले गुरु दल दा सेनापति भाई नानो वीर गति नू प्राप्त होया, शहीद हो गया, सिख ने आके खबर दित्ती, महाराज साडा सेनापति भाई नानो शहीद हो गया, कोई जथेदार भेजो, जथेदार तो बिना सेनापति तो बिना सेना किवें लड़ेगी। ता ये सुन के सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज करियो पिरागे संग बखान, जो भाई पिरागा जी कोल खड़ोते सन उन्हां वल वेख करके यूं कहण लगे, तूरन तूरन को तह पहुंचो, हे भाई पिरागा जी छेती रणभूमि विच जिथे भयानक घमसान युद्ध हो रहा है उथे पहुंचना करो, जहां लड़ाई जोर महान, जिथे लड़ाई दा बहुत जोर पै रहा है, जगना किसना सुपाट अमोलक, जगना ते किसना इस सूरबीर जड़े हन गुरु के
ਇਹ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਵੇਖ ਠਾਂਡੇ ਇਨ ਪਠਿਓ ਸੁਜਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਨਾ ਤੇ ਕਿਸਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੂਰ ਸਭ ਦੌੜ ਠੌਰ ਤਿਸ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਏ ਲਰੇ ਮੇਲੇ ਉਹ ਘਮਸਾਨ ਔਰ ਆਪਸ ਚ ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚਲੀ ਤੂਫੰਗ ਤਮਾਚੇ ਤੂਰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੋ ਗੋਲੀਆਂ ਤਮੰਚੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੋਮਰ ਤੀਰਨ ਕੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਮਰ ਬਰਛੇ ਬਰਛੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹਟਤ ਨ ਪੀਛੇ ਥਿਰੇ ਖਾਨ ਤਹਿ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਕਟੇ ਸੋ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਜੋਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਿਓ ਸੰਗਰਾਮ ਘੋਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਚਾਹੋ ਤਿਸ ਚਮਕਤ ਗਨ ਤਲਵਾਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰਤ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਕਟ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗ ਨੇ ਮਾਰ ਦੀਨ ਬਲ ਧਾਰ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਥਲ ਮਹਿ ਗੁਰ ਪਟ ਦਿੱਡ ਹੋਇ ਕਰ ਜਿਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੜਤ ਰਹੇ ਸੋ ਲਿਓ ਛੁਡਾਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਾਡ ਪਤਾਕਾ ਤਹਿ ਪੇ ਗਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾਕਾ ਗੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿ ਪਾਛੇ ਪੁਨ ਪਾਏ ਹਟਾਏ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਪਠਾਨ ਖਾਨਾ ਪਠਾਨਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਸੋ ਥਲ ਚਹਤ ਛੁਟਾਵਨ ਕੋ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪੁਨਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾਕਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਲੇਕਰ ਸੰਗ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਓ ਪਿਰਾਗਾ ਉਪਰ ਤਿਨਕੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਏ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਰਨ ਕੀ ਮਾਰ ਮਚਾਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਗਿਰੇ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਹੋਏ ਪੁਰਜੇ ਔਰ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਹਿ ਛੋਰਤ ਨਿਜ ਪਾਏ ਜਮਾਏ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਪਤਾਕਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਸਥਾਨ ਹੋਰ ਭੱਟ ਭਨੈ ਸੋ ਥਾਨ ਛੁਰਾਵ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਜੋਰ ਰਣ ਕੋ ਤਿਸ ਥਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰਦਸਤ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸਾਥ ਬਖਾਨੀ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੋ ਪ੍ਰਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੋ ਫੁਰਮਾਏ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਫੁਰਮਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤਹਿ ਸੰਗਰਾਮ ਭਿਆਨਕ ਮਾਚਿਓ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚੋ ਸੀਗਰ ਸੋ ਬਨੋ ਸਹਾਇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਏ ਭਾਖੀ ਔਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਥਾਨ ਪਰ ਜੁਟ ਗਏ ਵੀਰ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਚਾਹੋ ਛੁਟਾਏ ਤਾਹੇ ਹਟ ਆਵਹੋ ਔਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਠਹਿਰੋ ਨਹਿ ਚਿਰ ਕਾਲ ਸਧੀਰ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਆਸਥਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਛਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਸੁਨਤ ਤੁਰੰਗਮ ਗਯੋ ਦਭਾਵਤ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਲੀਏ ਜੋ ਦਾਗਨ ਵੀਰ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰੇ ਤਬ। ਮਾਰ ਲੋ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਉੱਪਰ ਪਏ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਗਿਰੇ ਸਰੀਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਣ ਭੂਮ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਸੁਪਗ ਵਡੇਰੇ। ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਖੜਗ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਸ ਤੇ ਮਾਚਿਓ ਘਮਸਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ। ਭਾਈ ਲੋਥ ਪੋਥਨ ਅਨਗਨ ਤਹ। ਰਣ ਭੂਮ ਵਿਚ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰ ਮਰੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉਸੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਰਣ ਭੂਮ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਿਸ ਥਲ ਥਿਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਲੀਨ ਪਤਾਕਾ ਲੀਨ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਜਾਨ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾਕਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੋ ਲਿਆ। ਕਿਤਕ ਕਟੇ ਔਰ ਕਿਤਕ ਪਲਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਨਿਜ ਥਲ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਗਏ ਦੌੜ ਕਰ ਪਿਖੈ ਨ ਪਾਛੇ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਬਿਲੋਕਤ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਤਲ ਪਠਾਨ ਕਨੇ ਤਹਿ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਗੀ ਚਮੂ ਤਰਾਸ ਕੋ ਠਾਨ। ਬਹੁਤ ਡਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਨੀ ਛੀਨ ਪਤਾਕਾ ਤੁਮਰੀ। ਹੇ ਸੂਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾਕਾ ਖੋ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਭਯੋ ਵਿਸਾਲ ਤਬੈ ਘਮਸਾਨ। ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਵਿਸਾਲ ਯੁੱਧ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਿਓ ਨ ਕੋਈ ਖਰਿਓ ਨ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਰਿਓ ਮਹਾਰਣ ਥ੍ਰਿਓ ਨਥਾਨ। ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਟੇ ਤਹਾਂ ਹੀ ਹਟੇ ਨ ਥੋਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜਹਤੇ ਭਾਜੇ ਸਿੱਖ ਪੁਨ ਆਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਸਨ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਕਰ ਛੀਨ ਲੀਨ ਸੋ। ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਪਤਾਕਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਮਾਰ ਮਚਾਏ। ਮਾਰ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਕਾਨ ਇਮ ਸੁਣ ਕਰ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਯੋ ਹੈਰਾਨ ਮਨੈ ਪਛਤਾਏ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਚਕ ਜੰਗ ਪਾਏ ਗਰ ਆਪਣੇ। ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜੰਗ ਪਾ ਲਿਆ। ਭੱਟ ਸੰਗ ਕੇ ਸਭ ਮਰਵਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਵਾ ਲਏ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਅਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੁਗ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੋ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਤਨ ਚੰਦ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੋਨੇ ਦੋਨੋ ਕੋਰਿਸ ਕਹਿ ਬੁਲਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕਰਕੇ, ਸੈਨਿਕ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਸਦਵਾਇਆ। ਪੂਜਨ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਹੇਰਤ।
ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਰਤ ਚਮੂ ਅਧਿਕ ਮਰਵਾਏ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਤ ਹੁਤੇ ਤੁਮ ਗੁਰ ਟਿਕ ਜੋਧਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋ ਰੰਕ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਆਟੇ ਮਹ ਜਿਮ ਲਵਨ ਬਤਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਸਿੱਖ ਅਬ ਕਿਆ ਭਯੋ ਦੀਏ ਸਭ ਘਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚਮੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਚਮੂ ਪਤ ਦੀਏ ਸੰਘਾਰ ਪੰਜ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਸੁਭਾਜੇ ਆਵਤ ਇਤਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਗੇ ਭਾਈ ਗਜਬ ਕੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਗਜਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੰਦਨ ਬਡ ਮੇਰੋ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਿਸਕੇ ਸਾਥ ਸੋ ਦੋਏ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਏ ਸੰਗ ਲੀਜੈ ਹੋਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੋ ਆ ਗਏ ਜਹ ਬਡ ਰਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤੁਮ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਹ ਲਗ ਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਲਗ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਰੋ ਬੇਗ ਸਿਧਾਰੋ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਫੜੋ ਜਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਰਤਨ ਚੰਦ ਬਿਸਮਾਏ ਇਹ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਕੁਛ ਤੁਮ ਵੀ ਜਾਣੋ ਹੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੜਿਓ ਇਹ ਤੋ ਅਗਵਾਏ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਬ ਹਮ ਜੈ ਹੈ ਪਿਖੋ ਲੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਮ ਅਟਕੈ ਸਭ ਜਾਹੇ ਪਲਾਏ ਕਿਵੇਂ ਅੜਨਗੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਪਿਤ ਸੋ ਕਹਿਓ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਦੀਨ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਬ ਲੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲੋ ਸੰਘਰ ਕੀਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਣ ਭੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਤਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਹਤਾ ਕੌਣ ਲੜੈ ਗੋ ਆਨ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਨੇਕ ਜਾਤ ਕੇ ਰੰਕ ਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਲ ਠਾਨ ਅਨੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੰਸਕ ਛੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈ ਹੋ ਨਾ ਅਟਕੈ ਹੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕੌਣ ਅਰੈ ਗੋ ਜੰਗ ਭਰੈ ਗੋ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਪਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵੋ ਪਾਛੇ ਆਯੁਧ ਕਾਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਚਾਲੈ ਜੇ ਬਜ ਚਾਲੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਲੈ ਜੇ ਭੱਜ ਚਾਲੈ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ ਤੋ ਤੁਮ ਰੋਕੋ ਠਾਂਡ ਵੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਰ ਤੁਫੰਗ ਘੇਰ ਨਿਸੰਗ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ ਧਾਮ ਪਧਾਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਲਾਜ ਰਖੀਜੈ ਕੀਰਤ ਲੀਜੈ ਕੀਰਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਯੋ ਕਹਿ ਚਾਲਾ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
दिलासा दे के पिता जी नू अगे रण भूमि चलिया लेकर वाला सुंदर ढाला सुंदर ढाल से तलवार लेके बंबली आला तोमर पाला बंबली आला हुमन वाला पाला बरछा लेकर के रूप कराला लोचन लाला बड़ा भयानक रूप धार करके अखा लाल करके पैर तो रंगा चंचल अंगा और घोड़े नू प्रेर करके जो चंचल अंगा वाला घोड़ा है अग्र कुदावा ज्यो नट जावा अगे कुदाउंदा घोड़े नू जिमे नट बाजी करदा होया नचदा है दोहरा अपर चमू चाली तब है जिम जल केर प्रवाह और सारी तुर्क सेना यूं चली जिमे नदी भी जल दा प्रवाह चलदा है रतन चंद पा एक दिस ताए करत उमाह और भगवान दास किरण दा पुत्र रतन चंद एक पास्यों तुर्क सेना नाल ले करके अगे जा रहा है परम चंद दूसर दिशा तीर देत बड वीर दिलासा देंदा होया दूजी दिशा विच चंदू दा पुत्र करम चंद जा रहा है पहले है अब गुरु को पहले हल्ले चीर पहले हल्ले वे सिखां दे भीड़ नू चीर करके गुरु नू फड़ लवांगे दोहरा दुंदब बजे अनेक ही दस सहंस्र बड सैन और 10,000 तुर्क सेना आ पई अचानक ही नगारे बजन लगे अनेका ही उमटी आवत जंग को विधि चंद पिक नैन तुर्क सेना बदल वांग उमड़ के आ रही है भाई विधि चंद ने अखां दे नाल तुर्क सेना नू आउंदिया देखिया निशानी चंद क्यों फिरागा निकट निज तिस को समझायो भाई फिरागा जी ने हम नेड़े देखिया भाई विधि चंद ने भाई फिरागे नू नेड़े देख करके उसनू चंगी तरह समझाया करो शीघ्रता जाहो अब गुर के टिक तायो शीघ्रता धार के हुन गुरु दे पास जाना कर आ गए आवत बाहनी सब जोर लगाए और सारा जोर लगा के तुर्क बाहनी सेना आ रही है अच्छा अब्दुल खान है फर्रे छुटवाए फर्रे निशान छुटवा करके पताका छड़वा करके पीछो अब्दुल खान भी आ रहा है जंग अंत को चाहत है प्रेरे सब काला काल दे प्रेरे हुए सारे जंग दा अंत चाहुंदे हन तूर उड्यो पूरे ओ गगन जन घटा विशाला और सारा आकाश धूड़ी दे नाल छा गया भर गया मानो बड़े घड़े भी जल भरिया हुंदा है बुद्ध दीजे सतगुरु को माचे घमसाना भाई विधि चंद जी अपने नेड़े खड़े भाई फिरागा जी नू समझा रहे हैं छेती जाके खबर देव गुरु साहिब जी नू के 10,000 तुर्क सेना इको बेरी चढ़ के आ रही है ज्यों रजाए होए रावरी मारे तुरकाना जिमें आप जी दी आज्ञा होवे असी तुरकाने नू मारना करिए सुनत फिरागा तब गयो ले दशक सऊरा भाई विधि चंद सुन करके भाई फिरागा जी 10 घुड़सवारा नू नाल लेके अगे गए इस थल मैं श्री सतगुरु हर गोबिंद सूरा सूरबीर श्री गुरु हर गोबिंद साहिब महाराज इस स्थान ते खलोते जंग दा तमाशा देख रहे सन भाई फिरागा जी उथे पुजे हाथ बंद बंदन करी सब दशा सुनाई हाथ जोड़ के बेनती कीती सारे हालात दसे अब्दुल खां अब आप ही आयो अगवाई हे महाराज जलंधर दा सूबा अब्दुल खां हूँ आप चढ़ के आ रहा है चढ़ी फौज सम घटा के आवत उमडाई घटा दे समान बदल दे समान तुर्क सेना उमड़ के आ रही है त्याग हो तीर समीर सम जिस्ते मिट जाई हे महाराज तेज हवा दे समान तीर छड़ना करो ताके सारे उड़ पुड़ जान जदों तेज हवा चलती है बदल सारे उड़ जांदे हन तुर्क सेना बदल दे समान आ रही है उमड़ के महाराज
हवा दे समान तीर छड़ना करो ताके तुरक दल बदल दे समान उड़ जान। सुन कर श्री गुरु नीर सो कर चरण पखारे। भाई बिरागा जी पासों सुन के सतगुरु हर गोविंद साहब महाराज जी ने अपने हस्त कमल ते चरण कमल पखारे धोते। करियो सुचेता सकल बिद मुछ समस सुधारे। चंगी तरह अपने हस्त कमला नू ते चरना कमला नू धो करके सुचेता कीता। मुछां ते दाड़े उपर हथ फेरिया। पहरे वस्त्र नवीन सब कलगी बड सोबे। और नवे वस्त्र धारण कीते सीस ते कलगी सोब रही है। जिगा बधी हीरे बड़े जिन पिख मन लोबे। और जिगा बधी हुई जिस विच हीरे जड़े हुए हन जिसनू देख के सारिया दा चित लुभाए मान हुंदा है। चंद्र हास चौरा रुचर ले कर गर पायो। चंद्र हास चौड़ा तेगा जिसनू आखदे हैं। सो चौड़ा तेगा हाथ विच लै करके तरकस जरियो जवाहरन जाहर दमकायो। जवाहरातां दे नाल जड़िया होया तरकस पत्था जड़ा है बहुत ही चमक रहा है। पीछन पीछन तीर गन ईछन ते हेरे। ईछन नाम अखां दे नाल नेत्रां दे नाल तिखे भयानक चौड़े फल वाले खपड़े तीर देखे। खपरे सर्प समान जे पर लीन कनेरे। और सर्प समान खपड़े तीर पत्थे विच भर ले। गर में पाए निखंग अस पुन सिपर संभारी। गल दे विच निखंग तीरां दा पत्था बन लिया पुना ढाल लटका लई ते बन लिया कमर कसा कर लिया। सो बद पाए सिकंध धर बद लीन पिछारी। और ढाल बहुत शोभ रही है फुल्लां वाली। पातशाह जी ने सारे शस्त्र सजा के कमर कसा कीता। फट्टी द्वै चौरी अधिक दिड मुष्ट विशाला। तनोख दिया दो फट्टियां बहुत मजबूत हन। चामी करते लिपत सब दीपत दुत जाला। जिदी मुठ भी बहुत मजबूत है ते चामी कर सोने दे नाल जड़त हन। गाडे जुग को से बड़े पै बहु लपटाए। और सोने लिपटे हुए हन धनुख दे दो गोसे जड़े अगे मुखी हन तीर दे मुखी हन ओ बहुत सोने दे नाल लिपटे हुए हन। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह कारीगर नू कह के सवा तोला सोना तीर दी मुखी नाल जड़वाया करदे सन। इसे तरह दशमेश पिता जी भी तीर दी मुखी दे नाल सवा तोला सोना जड़वाया करदे सन। मुख उद्देश सी के साढ़े तीर दे नाल जड़ा कोई बैरी मारिया जांदा है संस्कार करन वास्ते पैसा ना होवे ते सोना बेच के उदा संस्कार की कर सकदा है। ए परोपकार दी भावना सी। हर एक तीर दे नाल सवा तोला सोना जड़िया हुंदा सी। छेवें पातशाह ते दसमेश पिता जी दे तीरां नाल कारीगर राखे निकट कह कर करवाए। कारीगर नू अपने कोल रख करके और कह कह के कड़वाए तीर दी मुखी दे नाल सोना जड़वाया। इसे तरह गुर इतिहास विच कथा आउंदी है कलगीधर दसमेश पिता जी शस्त्रां नू पीर करके पूजया है। पूजा करदे सन धूप दीप तुखाउंदे सन दीवे बालदे सन फुल्लां दी माला अते फुल बुक भर भर के चढ़ाउंदे सन। जदों एक दिन कलगीधर दशमेश पिता जी ने देखिया कि शस्त्र साफ करन वाले हन ते सिकली घर सिखां नूं सद्या। एक विशेष कौम है सिकली घरां दी जो राजस्थान जयपुर आ बीकानेर आदक शहरां विच सिकलीगर सिख रहिंदे हन। उन्हां दा काम है भांडे नूं कली करना शस्त्रां नूं मांजना शस्त्र तैयार करने। सिकलीगरां नूं सद्या क्या इन्हां शस्त्रां नूं साफ करो। वह कह के कलगीधर दशमेश पिता जी तां चले गए। सिकलीगर शस्त्रां नूं पैरां दे थले दबा के मांजन लगे। कुछ चिर बाद आए
कलगीधर दशमेश पिता जी ने देखा ये तो शस्त्रां की बेअदबी कर रहे हैं, बड़े रोस विच आके डांटिया उन्हां कारीगरां नूं कि असी इन शस्त्रां नूं दी पूजा करदे हां, तुसी पैर हेठ दबा करके मांझ रहे हो, साफ कर रहे हो, ये तो सीस ते सजाउण योग हन शस्त्र। गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी ताड़ के कह के चले गए। कुछ चिर बाद भाई आलम सिंह जी नूं भेजिया, जाओ पता करो साफ कर रहे हैं कि नहीं। सारे सिगली घर सिख जड़े हैं शस्त्रां नूं सिर ते रख्या होया, सिर ते शस्त्रां नूं रख करके चुप चाप बैठे हैं। भाई आलम जी देख करके गए महाराज, वो तो चुप चाप बैठे हैं, सारे शस्त्रां नूं सिर ते रख्या होया। कलगीधर दशमेश पिता जी आए, कहिंदे तुसी शस्त्र नहीं साफ कर रहे, मांझ नहीं रहे। महाराज इस तरह तो बेअदबी हुंदी है, जे असी मांझांगे तो पैरां थले दबा के ही मांझिया जांदा है। तुसी कहिंदे हो सीस ते सजाउण योग हन ये शस्त्र, ते असी सत्कार कर रहे हैं, सीस उपर रख लिया। मांझना तो पैर थले दबा के ही हुंदा है। ते कलगीधर दशमेश पिता जी ने भी महसूस किया ये ठीक कह रहे हैं, भाई जिस तरह थोड़ी मर्जी है उसे तरह करो, साफ करो। फिर पैर हेठां दबा करके वो मांझण लग पे। सो इस तरह कलगीधर ते मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह सो कारीगर राखे निकट, कारीगरां नूं कोल राख करके कह के शस्त्र कढवाउंदे हन। दीर्घ घोर कठोर बड जिस खिचै न कोई, बहुत कठोर तनुख बनवाउंदे हन कारीगरां नूं कह के, जिस नूं कोई खिच नहीं सकदा, जिहदा चिल्ला कोई खिच नहीं सकदा। नौ टंका तनुख रख्या करदे सन, एक टंक विच 25 सेर भार हुंदा है, 25 सेर दा एक टंक, 9 टंका 225 सेर दा तनुख, 225 सेर दा तनुख आम बंदा चुक नहीं सकदा, चलाउणा तां कित्थे रहा। छेवें पातशाह ते दसवें पातशाह नौ टंका तनुख रख्या करदे सन। सो नौ टंका तनुख कह के बनवाउंदे हन। गिनती टंकन की ना कुछ दिड जेह संजोई, और टंका दी कोई गिनती नहीं, इन्ना भारा तनुक तैयार करवाउंदे हन। जगत बिखै दूजा ना को ऐचे बल लाए, जगत विच गुरु साहिब जी तो दूजा और कोई नहीं जो बल ला करके तनुक दे चिल्ले नू खिंच सके। लियो सरासन हाथ अस गुण जाहे सुनाए, सरासन नाम तीर हाथ विच फड़ लिया गुरु साहिब जी ने, और तीर दा गुण सुनाउन लगे सिख सूरमिया नू। सर मोटे पर कंक के खपरे बहुत तीखे, खपरे चौड़े फल वाले ते बहुत तीखे तीर, जिस दे नाम कंक नाम पंछी दे पंख पिछे जड़े हुए हैं, तीर दे पिछे कंक नामे पंछी दे खंब जड़े हुए हैं। जिसते छुटकर बेगते बड़ सर्प सरीखे, जिस चिल्ले तो छुटके तिखे तीर नाग दे समान अग्गे जांदे हैं। बेदत है गन अरन को प्राणन कर हाना, और बैरी दल नू बिन करके एक दो तीन चार पांच दस दस बी तुरका नू बिन के पार हो जांदा है। कह कर श्री सतगुरु बलि होए सब दाना, ऐसे चौड़े खपड़े तीर फड़ के हाथ बेच सावधान होए सतगुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज। खंजर जमधर कमर सो पुन करयो पुन धरयो तमाचा, खंजर जमधर कटार कमर कसे धारण कीता, तमंचा भी कमर कसे भी धारण कर लिया। आनो बली तुरंग मम बोलियो गुर साचा, सच्चे गुरु सच्चे पातशाह सतगुरु हरगोविंद साहिब महाराज जी ने आदेश दिता, मेरा घोड़ा तैयार करके लियावो। सुनत हुकुम कर शीघ्रता आनयो सिंगारा, एक सिख हुकुम सुन के गया सतगुरां दा घोड़ा सिंगार करके जीन काठी सजा के लियाया। जाहर जरद जवाहरन जह जीन सुधारा, जिस घोड़े दे ऊपर
सोना हीरा जड़िया होया जीन पा करके चंगी तरह सिंगार करके ले आया। लांगुल फेरत आव तो ऊंचो कर गाटा और गाटा नाम गर्दन ऊंची करके पूंछ फेरदा होया घोड़ा आया। औरकत पग को धरत है तरनी कहो काटा और धरती दे ऊपर वो पैर रखदा है और बड़ा चंचल बली घोड़ा है। वर्ण कुमैत स्वर्ण के पूखन चमकंते कुमैत नाम लाखा रंग दा घोड़ा उदा रंग जड़ा है लाखा है लाख रंग दा घोड़ा कुमैत नाम घोड़ा और जो गहनिया दे नाल सजिया होया है। गज का हन जुत सोबते कव का चर बनते और गज गाहा दे नाल सोब रहा है और लगाम नु चबदा होया आया। मनोकरब बल पुष्ट है दुष्टन दरड़ंता दुष्टा नु दड़न वास्ते मानो हाथी दा छोटा बच्चा आ रहा है। हाथी आयुत चपल बहो मन कहयो करंता उमैद घोड़े दी छाती बहुत चौड़ी है बड़ा चंचल अते बली घोड़ा है। पूरब के बड भाग ते सतगुर तर आयो पूरबले चंगे भाग सन उस घोड़े दे जो सतगुरां वास्ते पृथ्वी ते आया। वाहे गुरु कह कर उठे घोड़ा दरसायो घोड़े नू आया देख करके वाहे गुरु कह के हर गोविंद साहब जी महाराज उठ खड़े होए। पग रकाब दे कर तब गह ग्रीव सुकेसा रकाब विच अपने चरण रख करके घोड़े दे गर्दन दे बाला नू फड़ के चढ़ पाए। आसन आए वाग गह बल वंड विशेषा और लगाम फड़ ले घोड़े दे ऊपर सवार होके गुरु साहिब जी दीह दमामन चोब लग उठ नाद विशाले गुरु साहिब जी ने नगाड़ा बजाउन दा हुकम दिता नगाड़े बजे बड़ी गंभीर धुन उठी। सज्जी सब जोधा चढ़े गन शस्त्र संभाले सारे जड़े सूरमे हैं साज ताज के तैयार हो गए कमर कसा करके। समुख भय शत्रुन के कर चहस विनाशा शत्रुआ दे सन्मुख होए शत्रुआ दा विनाश करना चाहते हैं सतगुरां दी कृपा सदका। उचक चले देखत भय बड जंग तमाशा और इस तरह जा बड़ा जंग दा तमाशा देखण वास्ते सारे चले हैं। नमस्कार नी गन चले बहु शब्द उठंते नमस्कार नी बंदूक चो गोलियां चल दियां बहुत शब्द उठदा है। मनो मृदंगन बजत बहु उत्साह करंते मानो बहुत सारे मृदंग एको बारी बज रहे हैं उन्हां दी आवाज हो रही है। मार मार मुख करत है जन गावत गीता मार लो मुखो यूं कहंदे हैं जानो के गीत गा रहे हैं। उल्का ब्रंद सड़ाक लग एह ताल पुरीता गोलियां जो सड़ाक सड़ाक गोलियां चल रही हैं मानो ए ताल पूरिया जा रहा है। रंग अखारा जंग को गुर महद निहारा गुरु साहब जी ने जंग अखाड़ा दा रंग ढंग देखिया बीज प्रवेशन होन को तत्काल विचारा गुरु साहिब जी मैदाने जंग विच प्रवेश होन वास्ते विचारन लगे। परस राम सक तू सुपट दोनों तब आए भाई परस राम ते भाई सक तू ए दोने सूर में तदो आए हाथ जोर आगे खरे इम बाक सुनाए भाई परस राम ते भाई सकतु दोने सूर भीर आके गुरु साहिब जी दे सन्मुख निम्रता सहित हाथ जोड़ के बेनती करन लगे। महाराज अब लोकिए संग्राम तमाशा हे महाराज तुसी खलो करके संग्राम दा रण युद्ध दा तमाशा देखना करो। आप रहो ठांडे प्रभु निज दल के पासा अपने दल दे पास खलोते रहो मुस्तैद होके खलोते रहो। आसन प्रत आयस करो तुरकन को मारे और साडे दासा ताई आप आज्ञा करो हुकुम करो असी जाके जंग करदे हां तुसी तमाशा देखो। रावर बाग प्रताप ते बल धर संगारे आप जी दे
बल अते प्रताप करके तुरकां दा संघार करदे हां। अर अगारी अर कहा ए अलप बिचारे, ए तुरक बिचारे की हन साडे अगे, ओ किमें अड़ सकदे हन। लवपुर दिल्ली आगरे लुट कर उजारे, लाहौर दिल्ली आगरे तक तुरकाने नू मार दे होए उजाड़ देंगे। बिख दुन हन उत्साह को गुर हुकम बखाना, दोहां दे उत्साह नू देख के गुरु साहिब जी ने हुकम फरमाया। बिखो जोर जह जंग को पावो घमसाना, जिथे जंग दा जोर देखो घमसान युद्ध हो रहा, उथे जा करके मोर्चा संभालो। सने सने हम आए हैं जह अब्दुल खाना, जिथे अब्दुल खान खलोता है सी हौली हौली उथे आ रहे हैं। आज निदान सो करेंगे गन तुरकन हाना, आज जंग दा अंत ही कर देंगे, आज जंग मुका देंगे। अब्दुल खान भी यही चाहता है कि आज जंग दा अंत हो जावे। गुरु साहिब जी भी यही चाहते हैं। सुन हर खे गुर हुकम को ताजी तिर पाए, ए भाई परशुराम ते भाई सगतू ए दोने गुरु साहिब जी दा हुकम सुन करके बड़े प्रसन्न होए। घोड़िया ते असवार होके घोड़े नू पजाया, शस्त्र उगारे हाथ मैं तौसे बजवाए, हथा भी शस्त्र फड़ ले नगाड़े बजवाए। लेकर कितक अनीकनी तुरकन पर ताए, कुछ सिख सूरमिया नू नाल लेके तुरक सेना दे उपर जा पे। जथा मृगन गन हेर करके हर एह ताए, जिमे हरना दी डार नू देख करके शेर जा पैंदा है। परे जाए तुपकन चली ऐसी इक बारे, इको वेरी ऐसी तो तोपा बंदूकां दी मार मची। नबी बख्श के सहत ही आए कुड़ियारे, नबी बख्श जो अब्दुल खान दा बड़ा पुत्र है उदे साथ तुर्क सेना भी आई है। हेला काल विशाल को दोनों दल जूटे, और हल्ला करदे होए दोनों पासियां दे दल आपस में जुट गए। बाज कुही जुर्रे मनो पिख आमिक टूटे, ए बाज कुही जुर्रे ए मांसाहारी जानवर हन, मनो मांस देख करके टूट पए होन। प्रथम तुफंग मार कर गन तीर प्रहारे, बंदूकां जो गोलियां दी मार करदे हन, तनुख बाण तो तीरां दी बरखा करदे हन। उन तो मर तरवार पर शस्त्रन कर डारे, और होर भी अस्त्र शस्त्र तोमर तीर बरछे आदक लेके, जम दर ले पहुंचे सुपाट मारत अर खाते। और सिख सूरमे जड़े हन तोमर बरछे बरछियां लेके जमदर कटार आदक लेके तुर्क सेना दे ऊपर जा पाए। मोस्ट जोद को पेरे परे संगर रस राते, जड़े पैदल सन ओ मोस्ट जोद करन लगे, मुखिया मारन लगे एक दूजे नू। न पीछे को पग धरत निज लाज निभाही, आपो अपनी लाज निभाउंदे होए कोई भी पिछा हटना नहीं चाहुंदा। मार मार मर मर गिरे कट आपस माही, मार मार के मर के गिरदे हन आपस विच। तुरकन पर लोहा उलट इम परयो बडेरा, तुरकां दे उपर यो बड़ा लोहा पिया। जियत दिखत कह मर गए गन दल इक बेरा, एको बेरी दल जड़ा है तुरक दल मर खप गया, कोई जिंदा नहीं दिसदा, सारे मर के डिगे हन। होत बुद बुदे ब्रेंद जिम बहु बायो विनाश है, जिमे समुंदर विच या नदियां विच बुलबुले उठदे हन, तेज हवा चलन करके ओ बुदबुदे समाप्त हो जांदे हन। मर गए रिप शीघ्र ही को भागत त्रास है, एक तां बैरी शीघ्र ही मर जांदे हन रणभूमि विच, दूजे कायर बुजदिल देख के भज जांदे हन। ओ पेओ बिदिया तब फ्रेओ बिच जंग निसंग, और भाई बिधि चंद वीर राज धार करके रण भूमि विच मैदाने जंग विच मुस्तैद होके खड़ो गए। तान तान कर कान लग गन हतै खतंग, तान तान करके खिच खिच के कन ताई खिच खिच करके बाण दा प्रहार कर रहे हन। द्वै द्वै बाण संचार कै द्वै द्वै तन पारे, ए तनुग दे चिल्ले नाल
दो-दो तीर कट्ठे जोड़ करके दो-दो तीर चलाउंदे हन और दो-दो तुरकां नूं मार गिराउंदे हन। अनगन तुरकां को हने न होत संभारे, अनगिनत तुरकां दा विनाश कीता उन्हां तो अपना आप संभालिया ना गया। चंचल बलि तुरंग को न कहूं टिकाए, और चंचल बलि घोड़े नूं किते भी नहीं टिकाया। जह देख रिप वदत है तह ते उथलाए, जिथे बैरी दल नूं बसदा देखदे हन उथे मार गिराउंदे हन भाई विधी चंद जी। सो साध संगत जी, इत्थे कथा विराम ते आ गई है। अगली कथा अगले प्रकरण अंदर आपां कल नूं सरवण करांगे। समा समाप्त है, आओ दो मिनट वाहिगुरु गुरु मंत्र दी हाजरी ला के समाप्ति करिए। सारे माई भाई गज बज के जाप करिए, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमकाल, नानक मंतन सुखी होए अंते मिले गोपाल। खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंच दी रवे। अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।